लोग हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हो ना, इसलिए अंग्रेजी आती नहीं होगी। कमाल की चीज है थारी मासी, उसको तो अंग्रेजी आती नहीं, दूसरों को बेवकूफ समझती। कुछ कहा आप लोगों ने? नहीं नहीं आंटी, अम्मा सा सिर्फ ये कह रही थी कि पहली बार वो इतनी पढ़ी लिखी औरत से मिली। What to do? चलिए बाय। हाँ चलो। आओ बिंदु बैठो। आंटी जी तुसी बुरा मत माना, लेकिन ऐसे ना सबको अंग्रेजी अच्छी तरह आती है, बस वो आपका वो अमेरिकन एक्सेंट वो हम सबको समझने में ना बस थोड़ी सी मुश्किल होती है, बस और कुछ नहीं। What to do? वैसे ना आंटी जी हमारी जो रिया है ना उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जी, ये ना वही रह के आई है। कहाँ? फ्लोरिडा। और आप कहाँ रहती हैं? मैं बस वही वो जो बड़ा शहर है यूएस का जिसमें एक औरत खड़ी है यूं मशाल लेके ना, बस वही। अच्छा तो इसका मतलब आपका घर शमशान घाट के पास है? हमारा घर भी ना गांव में शमशान के पास ही है। What rubbish! मैं कोई शमशान ममशान में नहीं रहती। अरे मैं तो वो एक मिनट, मैं ये देखो मैं यहाँ रहती हूँ, ये जो लेडी है ना मशाल पकड़े हुए, बस इसकी लेफ्ट साइड में जो गली है ना मैं वही रहती हूँ। आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास रहती? हाँ। वहाँ कोई भी नहीं रह सकता, वो तो समुद्र के बीच में है ना। तुम कभी अमेरिका गए हो क्या? नहीं ना, तो फिर तुम्हें कैसे पता? अरे मैं वहां रहती हूं इसलिए वहां रहना पॉसिबल है, मुझे पता है। आंटी जी मेरा मतलब है आप इतनी दूर रहती हैं जी, है जी, आपको ना अकेले डर लगता होगा ना? डर? What rubbish! इसमें डर की क्या बात है? अरे मैं तो बचपन से ही बोल्ड ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट हूँ। तुम्हारी सास की तरह नहीं कि बचपन से रोड क्रॉस करने में भी डरती थी। What to do? यहाँ बहुत गर्मी है, it's too hot. कहीं चले जाओ हवा। चलो सब लोग गेस्ट रूम में चलते हैं, वहाँ पर एसी है हमारे यहाँ। ओह रियली? थैंक यू बिंदु, हाँ तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। चलो चले। चलो बच्चों मेरा सामान उठा लो। आओ बेटी आओ। अम्मा सा ये हमारा गेस्ट रूम है। आओ बैठो बैठो। What to do? It's so hot. बिंदु एसी तो ऑन करवाना। अब आदि बेटा एसी चलाओ। बिटो बैठ जाओ बेटा। भैया फाइनली रिया भाभी की इच्छा पूरी हो गई, घर में एसी है। अच्छा एवरीबॉडी क्विट नाउ, क्विट प्लीज क्विट। क्विट क्या जी? इनका मतलब है? हाँ हाँ वही मतलब है मेरा। अच्छा मैंने है ना आप सब के लिए अमेरिका से गिफ्ट लाए हैं। What to do? ये मेरी प्यारी बिंदु के लिए। सैडी जी आप इतना दूर क्यों बैठे हैं? आपके लिए तो
स्पेशल गिफ्ट है, यहाँ आइए। मैं ये लीजिए, ये मेरा फेवरेट हेयर डे है, मेरा मतलब है डाई है, हेयर डाई है। अच्छा, अच्छा। यही शेड मैं भी लगाती हूँ। थैंक यू थैंक यू। अब सब लोग अपना अपना गिफ्ट तो खोलो। पादी आंटी जी, बायगार्ड की कसम। जी, इस पे तो मेड इन इंडिया लिखा है। अजी, आपको ना अमेरिका में भी किसी ने ठग लिया। हाँ पापा जी, सही कह रहे हैं। ऐसा टॉय तो मैंने अपने मोहल्ले के शॉप में भी देखा था। पैडी आंटी, उन्होंने आपको चीट किया है। अरे, मेरा गिफ्ट भी मेड इन इंडिया है। जी, बिट्टू जी, ओ जी, ये देखो जी, मेरा भी इंडियन है। हमें तो पता नहीं क्या लिखा है, क्या लिखा है ये? बाय गॉड की कसम, इंडिया से ही है। क्या कमाल की बात है जी, इंडिया की चीजें ना इंडियन को ही गिफ्ट की जा रही है। सच्ची पैडी आंटी, ये सारे गिफ्ट्स ना मेड इन इंडिया ही है। नहीं नहीं, सारे गिफ्ट इंडियन नहीं है, कुछ कुछ गिफ्ट इंडियन है। वो क्या है ना, मुझे नहीं पता था कि परिवार इतना बड़ा है, इसलिए कुछ गिफ्ट मैंने इंडिया से ले लिए थे। अरे, ये सब करने की क्या जरूरत थी, तू आ गई ना, यही बहुत था। हाँ, मुझसे बड़ा गिफ्ट आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। क्यों साड़ी जी? अब हम आपको क्या बताएं? अब चलो, ठीक है पैडी, तुम आराम करो, चलो बच्चों अपने अपने कमरे में चलो। ओ जी, थैंक यू जी। अरे बिंदु, तू कहाँ जा रही है, बैठ। अरे अरे, नहीं नहीं, सुन ना, देख तू थक गई होगी, तू आराम कर, हम बाद में बैठेंगे। अरे नहीं नहीं, बैठ ना, बातें करेंगे। अरे तू तो बच्चों को संभालते संभालते मदर इंडिया हो गई है, ममता की मूरत हो गई है। अरे कभी कभी अपने लिए भी वक्त निकाल लिया कर। अरे तुझसे बात करने में मुझे कौन सी थकान हो गई। हाँ चल बातें करते हैं। अरे एक मिनट, टीवी का रिमोट दे, रिमोट दे जल्दी। हाँ पता है, अमेरिका से आते आते ना मेरे सारे एपिसोड्स मिस हो गए होंगे। एक जिगर का टुकड़ा है, दूजी जिम्मेदारी, अलग है दोनों धाराएं, पर दोनों मुझको प्यारी। अरे बिंदु, तुझे पता है ये एक नया सीरियल है, इसका नाम है सपने सुहाने लड़कपन के। मैंने इसके प्रोमोस अमेरिका में देखे थे। रचना, कितनी प्यारी और चुलबुली है ना। बिल्कुल हमारी तरह। तुझे याद है बचपन में हम कितने मस्ती खोर थे, कितनी मस्ती करते रहे, है ना? मस्ती तुम करती थी और तुम्हारी वजह से मैं हमेशा फंस जाती थी। हाँ तू तो एकदम सीधी थी, मिस्री की तरह मीठी, एकदम सिंपल, ना किसी से हेलो ना हाय, बिल्कुल ये रचना की तरह। लेकिन मैं तेरी तरह नहीं थी कि मुंह झुकाया और बस चल दी। मैं पलट के उनको गालियां देती थी, चमाट भी मार देती थी। हाँ बिल्कुल इस गुंजन की तरह। तुम में से कोई मुझे टॉयलेट रोल पेपर दे सकता है? वो ये मत कहना कि पानी यूज कर लो। अगर आपको बहुत अर्जेंसी है तो मैं आपको कपड़ा दे दूं। शुक्ला सर, इतने दिनों के बाद। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं तो वैसा ही हूँ, लेकिन शुक्र है भगवान का कि तूने मेरा फोन तो उठाया। सर क्या हुआ,
आप इतने परेशान क्यों हैं? ये पूछ क्या नहीं हुआ, देख मेरा नाटक सेट पे है और मेरी हीरोइन बीमार पड़ गई है, मुझे तेरी मदद चाहिए। नहीं सर, लेकिन वो ना मत कहना, नुक्कड़ नाटक है, सामाजिक कल्याण का काम है, ना कहना गलत होगा। हाँ सर ये तो है, लेकिन कितने दिनों का काम है? कम से कम 15 दिन चलेगा, लेकिन तुझे आज से ही आना है। आज से? अरे तभी तो तुझे फोन किया लवली। एक तू ही है जो मुझे इस मुसीबत से निकाल सकती है। देख ये नाटक बहुत इम्पोर्टेंट है, गांव-गांव जाकर इसका प्रचार करना है। लवली जल्दी कुछ बोल। शादी के बाद कोई फैसले ना मिले बहुत ही मुश्किल है। देख बेटा घर परिवार ही सब कुछ नहीं है ना, हमारी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियाँ भी है। हाँ सर, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए घर की जरूरतों को नजरअंदाज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगी सर, I'm really sorry. देख लव, लव, किससे बात हो रही थी लवली, और कौन से काम के लिए 15 दिन निकालने मुश्किल है? कुछ नहीं मासा, कुछ खास बात नहीं है, चलिए ना मासा, वो पैडी मासी हमारी राह देख रही होगी। हाय हाय, इतनी थकान हो रही है मन्ने, ऐसे लगे जैसे बरसों से काम कर रही हूँ मैं, सब उस पद्दू मासी जी की वजह से। जब तक रहेगी ना नाकों से चने चबाएगी, देख लेना। करंटी भाभी सिर्फ आज ही की तो बात है, कल पैडी मासी चले जाएंगी, उसके बाद आराम ही आराम। और वैसे ना मैं भी ये फेक एक्टिंग करते करते बहुत थक गई हूँ। हाँ है? अब ये क्यों हो गए? मेरा मतलब झूठा दिखावा। अरे पूछ मत, मैं भी ना झूठा दिखावा कर करके ना थक गई हूँ। हाँ ये तो है करंटिया, ये ब्रेड चबाते चबाते तो हमारा मुंह दुखने लगा है। जल्दी से ये तुम्हारी क्या पिद्दू पुद्दू मासी सा जाए और हमारा पीछा छोड़। हे भगवान, आज सुबह से ना मेरी दाई आंख बहुत भड़क रही है। भाभी इसका मतलब क्या होता है? अरे लवली परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हा? अरे ऐसे कैसे कुछ ना होता कहना भाभी? अरे हमारे गांव में ना दाई आंख का फड़कना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। हाँ चुप करो तुम भी। लवली मैंने तो लाके जरूर कुछ बुरा होने वाला है। वो तो हो गया ना, पैड़ी मासी जो आती है। अरे तब तो आधा अपशगुन यूं ही कट गया, और कल जब वो चले जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा, देख लेना। हाँ हे भोले बाबा मेहर करना, बस कल तक इस मासी सा से बचाए रखना हम लोगों को। यूहू! अरे क्या खिचड़ी पक रही है बहुत टाइप्स में। हाँ एनीवेज तुम में से कोई, नहीं नहीं तुम तो रहने ही दो, तुम में से कोई मुझे टॉयलेट रोल पेपर दे सकता है? व्हाट टू डू, ऊपर टॉयलेट में टॉयलेट रोल पेपर ही नहीं है। वो ये मत कहना कि पानी यूज कर लो, मुझे हैबिट नहीं रही है, अब मुझे तो टॉयलेट रोल पेपर चाहिए। पैडी मासी क्या है ना, घर में ये सब नहीं है, और अब तो बहुत रात भी हो गई है, कहीं मिलेगा भी नहीं। अगर आपको बहुत अर्जेंसी है तो मैं आपको कपड़ा दे दूं। छी कपड़ा, दैट इज सो चीप एंड काउंटी टाइप्स। नहीं नहीं कपड़ा नहीं चलेगा, मुझे तो टॉयलेट रोल पेपर ही चाहिए। हाँ अब मैं क्या कर सकती हूँ इस समय ना? अच्छा व्हाट टू डू, ठीक है इस बार तो मैं एडजस्टिव कर लेती हूँ, लेकिन कल मुझे टॉयलेट रोल पेपर चाहिए, ठीक है? बड़ा बेमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है आज मौसम। आज मौसम बेमन है, आज मौसम बेमन है, आज मौसम। साथ
साथ चाय। कैसे लग रहे हैं जी? रंगे सियार की कहानी सुनी है? बिल्कुल वैसे। बाल रंगने से बुढ़ापा भाग नहीं जाएगा। छुप तो जाता है। आज मौसम बड़ा बेमन है, आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। Oh my God, what to do? Sari, आप तो और ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप तो खामखा मेरी खिंचाई कर रही हैं। आपकी सहेली का तो कुछ और ही कहना है। अरे बिंदु को क्या पता, एक जौहरी ही एक हीरे की परख कर सकता है। और ये पार्थी कह रही है कि आप पर काले बाल बहुत ज्यादा जच रहे हैं। What to do? आप मॉर्निंग वॉक क्यों नहीं शुरू कर देते? पता है उससे क्या होगा, आप और ज्यादा फिट हो जाएंगे और आपके फेस पे एक ग्लो सा आएगा और आप और ज्यादा हैंडसम लगेंगे। Really? हाँ। अब बिल्कुल सही कह रही हैं। अब आपने कहा है, जाने ही पड़े, कल से ही शुरू कर। हाँ सैदी, बहुत फर्क पड़ता है। अब मुझे ही देख लीजिए ना, अर्ली मॉर्निंग वॉक, योगा और जिमिंग कर कर के ही तो मैंने अपने आप को मेंटेन किया है। व्हाट टू डू, देखो ना कितना ग्लो करता है मेरा फेस, है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। क्या चुस्त तो दुरुस्त लग रही हैं आप। अब देखिए ना, आप कुछ दिन अगर और रुक जाती तो हमें भी कुछ योगा होगा सिखा देती। और चाहिए ना। व्हाट टू डू, जरा मुश्किल है, मगर यू नो व्हाट, सिर्फ आपके लिए सैडी मैं कोशिश करूंगा। ओह सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। मासा नाश्ता तैयार है। बाबूजी ये क्या है? कुछ नहीं लवली, तुम्हारे बाबूजी पर अंग्रेजों का रंग चढ़ गया है। मासा नाश्ता सा आप ही चाहिए ना, पैडी के साथ? हाँ, come on जीजू। Yes. आज मौसम बड़ा बेमान। तुम जाओ ना उनके साथ। और बिंदु तू तो बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। Black beauty. अगर इसे खूबसूरती की कदर होती तो वो अपने आप को मेरी तरह मेंटेन नहीं रखती। बंद ढंग कर तो कोई भी सुंदर दिख सकता है, पर हमें ये सब बनावटीपन बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारी सादगी ही हमारी सुंदरता है। करते तो इन्हें जो करते हैं। आइए। अरे लेकिन कहाँ जा रहे हैं, क्या सरप्राइज है, कुछ बताइए तो। अरे आइए तो आप। वैसे साड़ी जी, इस टी शर्ट में आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन सरप्राइज क्या है बता क्यों नहीं रहे आप? देखिए, कौन आया है? ओ जी, वेलकम जी, पैडी आंटी जी। ओ माय गॉड, आप लोग ने इतना सब कुछ मेरे लिए किया। थैंक यू हाँ। ओ जी थैंक यू की गल है आंटी जी, आप तो ना हमारे मम्मी जी की ना बचपन की सहेली है।
हाँ मासी साहब, और वैसे भी इस घर में आज आपकी आखिरी शाम है, कल तो आप चली जाएंगे अपने अमेरिका, है ना? इसीलिए हमने आपके ऑनर में ये पार्टी रखी, आज की शाम आपके और मासा की दोस्ती के नाम। Oh really? I just can't believe it, huh? आप लोगों ने इतना सारा कुछ किया। देखिए ना। Wow! What to do? मासी साहब, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, खाने के लिए भी है, खास आपके लिए बनाया गया है। नहीं नहीं नहीं, जब तक बिंदु नहीं आएगी ना मैं नहीं खाऊंगी। बिंदु, बिंदु डालेंगे, थोड़ा थोड़ा इंतजार करिए, बस आती ही होंगी। मासा आ गई।